हेलो एवरीवन कैसे आप लोग कैसे चल रही सबकी पढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही है अभी तक अगर स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं देखा है तो ऑलरेडी अपलोडेड है जाओ देखो क्योंकि इस चैप्टर में इस लेक्चर में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन मार्क एंड टू मार्क ओके क्लियर बात में आ रहा है मतलब फिजिक्स में जो भी चैप्टर है स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर एंड एंडिंग टू चैप्टर नंबर सिक्स जो भी तुम्हारे एक मार्क या दो मार्क के जो भी थेरोटिकल क्वेश्चन है अगेन सिर्फ थेरोटिकल क्वेश्चन यहां पे डिस्कस होने वाले हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अगर तुम्हारा रिस्पांस अच्छा रहेगा अगर तुमको नीड है तुम वीडियो को लाइक करोगे अगर कमेंट करोगे तो डेफिनेटली आई विल मेक वन न्यूमेरिकल स्पेशल न्यूमेरिकल वीडियो आल्सो ओके चलो सो so यहां पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अगेन यहां पे जो एमसीक्यू है वो भी तुम्हारा साथ में प्रिपेयर हो जाएगा ओके सो यहां पे सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जो तुम्हारा सेक्शन नंबर वन होता है उस सेक्शन नंबर वन में अगर हम देखने जाए तो सेक्शन नंबर वन में तुमको आठ मार्क का क्वेश्चन आता है ओके okay, आठ मार्क का क्वेश्चन आता है जिसमें से लास्ट दो जो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं न्यूम्रिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं लास्ट जो क्वेश्चन होते हैं लास्ट क्वेश्चन इज न्यूम्रिकल बेस्ड ओके लास्ट टू क्वेश्चन इज न्यूम्रिकल बेस्ड बाकी के जो छह क्वेश्चन से दैट इज थियरी बेस्ड एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हम क्या करते हैं हम बड़े क्वेश्चंस पे ज्यादा ध्यान देते हैं सिंस हम बड़े क्वेश्चंस में ज्यादा ध्यान देते हैं तो हमारे वो जो छे क्वेश्चन है वो हट जाते हैं अब वो छह क्वेश्चन में क्या ही पूछ रहे हैं डेफिनेशन पूछ रहे हैं क्या ही पूछ रहे हैं फॉर्मूलास पूछ रहे हैं क्या पूछ रहे हैं डायमेंशन पूछ रहे हैं लॉस पूछ रहे हैं स्टेटमेंट पूछ रहे हैं वही सारी कहानी है ये yes सोनो no? तो यहां पर अपने को वो मार्क्स स्कोर करना है सेम जब तुम लोग क्वेश्चन नंबर टू मार्क के लिए जाओगे तो टू मार्क तुम्हारा कहां से कहां तक होता है फ्रॉम थर्ट थ्री से 14 तक, ओके, कहीं उसमें से सात है, क्वेश्चन है? है. है, तो हैं और लास्ट के फाइव क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं तो फिलहाल आपको न्यूमेरिकल बेस्ड पे ध्यान नहीं देने वाले फिलहाल हम लोग पे ध्यान देने वाले तो यहां पे जो तुम्हारे सात मार्क्स है मतलब यहां पे तुम्हारे जो फोर्टीन मार्क्स है और यहां पे तुम्हारे जो सिक्स मार्क्स है मतलब 20 मार्क्स ओके okay, मतलब 20 मार्क्स यहां पे तुम कवर कर सकते हो याद रखना क्या कर सकते हो 20 मार्क्स यहां पे तुम कवर कर सकते हो कहां पे कैसे कवर करोगे सर क्या देने वाले हो सो वी हैव ऑल द लिस्ट ओके वी हैव ऑल द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे हम सारा क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंट ओके okay, जो कि हो सकता है मेरे मैंने हाथ से लिखा है तो हो सकता है थोड़ा बहुत तुमको आ, ब्लर दिखे या फिर स्क्रीनशॉट लेने में प्रॉब्लम आए तो अगर ऐसा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना आई विल गिव यू डायरेक्टली लिंक ओके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर तुम लोग डायरेक्टली वो डाउनलोड कर सकते हो okay? ओके चलो सो so डिस्कस करते हैं मान लो कि क्या क्या क्वेश्चन है यहां पे देख लो? तो वन मार्क हम हम तो और दो मार्क के लिए कौन सा क्वेश्चन है देखो व्हाट इज सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डिराइव वेलोसिटी ऑफ वेल ऑफ वेलोसिटी है ओके okay? तो ये क्वेश्चन है ये तुम लोग देख सकते हो फिर डिराइव द सेफ वेलोसिटी ऑफ द वहीकल ऑन द कर्व रोड ये क्वेश्चन है यहां पे अगर हम देखने जाए तो वेल ऑफ द का फॉर्मूला था वी इज इक्वल टू अंडर रूट क्या था आर जी बाय यू हाँ ना तो ये कहानी तुम्हारी क्लियर हो जाएगी फिर सेफेस्ट स्पीड uh, का तुम्हारा ये हो जाएगा फिर कोनिकल पेंडुलम ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है यस ऑन व्हाट इज कोनिकल पेंडुलम ऑन विच फैक्टर इट डिपेंड्स वट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेते हैं उसका यूनिट और डायमेंशन पूछ लेते हैं ओके स्टेटमेंट 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 एंड एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन ऑफ ऑफ पार्लर एक्सिस एक्सिस थ्योरम परपेंडिकुलर का भी और uh, याद कर लेना फिर स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिफाइन द रेडियस ऑफ गारेशन इट्स सिग्निफिकेंस और फॉर्मूला एटलीस्ट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए किसके लिए फॉर डिस्क के लिए रिंग के लिए रॉड के लिए स्पीयर के लिए एंड होलो स्पियर के लिए एटलीस्ट इतनों के लिए तुमको कहीं ना कहीं वो फॉर्मुला याद होना चाहिए और बाद में इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन है दो डिफरेंस बिटवीन है एक डिफरेंस बिटवीन कौन सा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फोर्स एंड सेंट्रीपिटल और एक डिफरेंस बिटवीन क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो ये दो डिफरेंस बिटवीन है यहाँ पे यहाँ से आने के चांसेस होते हैं देखो डिफरेंस बिटवीन का फायदा क्या होता है मैं तुमको बताता हूं अगर मान लो तुम डिफरेंस बिटवीन कर लिया तुमने डिफरेंस बिटवीन कर लिया तो ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी तुम्हारा हो गया ना इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड वॉट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्योंकि यहां पर जो चीज तुम पढ़ोगे वही चीज तो तुम्हारा यहां पर रहेगा ना अब मान लो कि तुमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा भाई डिफरेंस बिटवीन में तुम क्या पढ़ोगे डेफिनेशन पढ़ोगे तो ऑलरेडी यहीं पे करना अगर मान लो कि तुमको आ गया स्टेट द ओके क्वेश्चन आ गया स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स डिफरेंस बिटवीन नहीं पूछा तुमको बट तुमको क्वेश्चन क्या पूछा स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स तो वो क्या ही है भाई वो सेंट्रीपिटल का जो भी तुमने पढ़ा हुआ है उसका डेफिनेशन उसका फॉर्मूला वो इनवर्ड है आउटवर्ड है जो भी तुमको पता है वो सारा उसमें लिखो मतलब इनडायरेक्टली जो भी तुम डिफरेंस बिटवीन पढ़ते हो हो सकता है कि अगर वो डिफरेंस बिटवीन ना आए उसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए तो जो भी तुमने डिफरेंस बिटवीन पढ़ा है ना वो डिफरेंस बिटवीन वहां पर जाके लिख दो ओके हाँ डिफरेंस बिटवीन का खाली एक ही साइड लिख दो साइड तो पूछा नहीं है बात समझा रहा है कि नहीं आ रहा है तो वो चीज पर थोड़ा सा ध्यान दो ओके ऐसी हमारे पास ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट में क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा इसको ऐसे हमारे पास सारे चैप्टर्स के सारे चैप्टर्स के ओके okay? अब सारे चैप्टर्स के बट uh, ऑब्वियस है कि इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई हर एक का चैप्टर कम मैं तुमको रीड करके दू हां बट आई विल टेल यू की भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या चीजें हैं जो तुमको डिस्कस करनी है ओके okay? चलो तो सेकंड चैप्टर की बात करें हम लोग नेक्स्ट

ओके okay. फिर पास्कल लॉ व्हाट इज पास्कल लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन एप्लीकेशन में सिर्फ एक एप्लीकेशन कर लेना दैट इज योर हाइड्रोलिक लिफ्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके फिर नेक्स्ट है डेफिनेशन तुम्हारा वॉट इज सर्फेस टेंशन ऑलरेडी पूछ चुका है यह क्वेश्चन वट इज सफेस टेंशन एंड इट यूनिट एंड एमिशन ओके वट इज सर्फेस एनर्जी यह भी पूछ चुका है भाई वट इज सर्फेस एनर्जी एंड द रिलेशन बिटवीन सर्फेस टेंशन एंड सर्फेस एनर्जी ये सोनो वट इज सर्फेस टेंशन एंड द रिलेशन बिटवीन सर्फेस टेंशन एंड सर्फेस एनर्जी फिर डिफाइन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ये तुम्हारा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिफाइन करने को बोल रहा है और फैक्टर अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिफाइन करने बोल रहा है यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन question, छोटे क्वेश्चन का हम डिस्कशन कर रहे हैं पे हम की बात नहीं कर रहे बड़े बड़े डेरीवेशन की बात नहीं कर रहे सिर्फ दो लाइन चार लाइन में जो डेरिवेशन खत्म हो रहे सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं हम लोग फिर फॉर्मुलाज ऑफ लाप्लास लॉ ऑफ स्पेरिकल मेमरेन ओके ये याद है इसमें ये वाला फॉर्मुला था तुमको पी आई माइनस पी नॉट इज इक्वल्स टू टू टी बाय आर तो so एटलीस्ट खाली फॉर्मुला याद रखो और जहां पे सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है वहां पे मैंने तुमको नोटेशन भी दिया है कि खाली भाई फॉर्मूला याद रखो इसका क्योंकि कहीं ना कहीं इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं ओके नेक्स्ट डिफाइन कैपिलारिटी बहुत बार पूछ चुका है तो डिफाइन कैपिलािटी एंड इट्स कैपिलरी एक्शन कब राइज और फॉल होता है वो क्वेश्चन है फिर डिफाइन क्रिटिकल वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था दैट इज आर ना डिवाइड बाय आर रो डी और यहां पे ईटा था ईटा इज योर ऑफ विस्कोसिटी फिर तुम्हारा व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर व्हाट इज विस्कोसिटी इट्स यूनिट एंड डायमेंशन स्टेट द न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी ओके यहाँ पे सारे छोटे क्वेश्चन स्टेट द स्टूक्स लॉ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी व्हाट इज द बर्नॉलिस प्रिंसिपल ऑफ इक्वेशन याद रखना बर्नॉलिस प्रिंसिपल पूछा तो पूरा डेरिवेशन नहीं पूरा डेरिवेशन का अपने वो कोई भी काम नहीं है डेरिवेशन इज द सेकेंडरी ऑप्शन जब हमारा ये सारा चीज पढ़ के हो जाएगा तब हम डेरीवेशन पे पहुंचेंगे ओके तो ये तुम्हारा बर्नोलि प्रिंसिपल हो सकता है तुमने इसमें से कितना चीजें पढ़ लिया हो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो इनमें से बहुत सारी चीजें पढ़ ली होंगी जैसे पास कर लो भाई हर बार आने का चांसेस होता है सब लोग ने पढ़ लिया रहेगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सर्फ टेंशन ये सब चीजें तुम्हारी ऑलरेडी पढ़ के हो चुकी होंगी इसमें दो डिफरेंस बिटवीन है याद रखना एक तुम्हारा फोर्स को डिफरेंस बिटवीन है और एक तुम्हारा स्ट्रीम और टर्बुल फ्लो का डिफरेंस बिटवीन है ओके okay? तो ये एटलीस्ट ये दोनों डिफरेंस बिटवीन कर लेना क्यों बोल रहा हूं डिफरेंस बिटवीन कर लेना क्योंकि अगर तुम देखने जाओ लास्ट पांच सात साल का पेपर उठा के देखो तो एक ना एक डिफरेंस बिटवीन पूछ ही लेते हैं अगर मान लो मान लो हो सके कि डिफरेंस बिटवीन ना पूछ ले बट अगर पूछ लिया डिफाइन द स्ट्रीम

ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ओके चलो नेक्स्ट दिस इज योर चैप्टर नंबर थ्री दट इज यनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन ओके के टीजी अगेन के टीजी में से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ओके okay? अगर हम देखने जाए तो एक मार्ग के लिए देख लो एक, एक मार्ग के लिए दो दो मार्क के लिए कौन कौन सा क्वेश्चन है वॉट इज मीन फ्रीपाथ फॉर्मूला उसका फॉर्मुला बता दो मीन फ्रीपाथ का फिर व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आरएमएस वेलोसिटी एंड टेम्परेचर अगर तुमको याद होगा वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर तो ये रिलेशन बता दो छोटा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी विद टेम्परेचर अगर तुमको याद होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला दैट इज व्हाट इज द अफॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी दैट इज योर थ्री बाय टू के बी टी है ना थ्री बाय टू केबीटी दिस इज द काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला फिर व्हाट इज लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी बता दो डिफाइन तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का डेफिनेशन बता दो फिर रेशियो ऑफ स्पेसिफिक वैल्यू फॉर मोनोएटॉमिक डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक अगर तुमको याद होगा तो मोनोएटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू क्या था फाइव बाय थ्री ओके डायटॉमिक के लिए गामा का वैल्यू क्या था ये गामा ही है और कुछ नहीं रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब गामा तो गामा का वैल्यू क्या था अगर हम देखने जाए तो यहाँ पे फाइव बाय थ्री ये सेवन बाई फाइव हाँ या ना? फिर पॉलीएटॉमिक के लिए क्या था तुम्हारा गामा दैट इज एफ प्लस एफ प्लस फोर डिवाइड बाई एफ प्लस थ्री याद है गामा का वैल्यू एटलीस्ट अगर तुमको इसका डेरिवेशन नहीं भी याद है तो एटलीस्ट वो गामा का वैल्यू याद कर लो मेरा कहना वो है आई एम नॉट गोइंग टू से भाई पूरा का पूरा डेरिवेशन याद करो हाँ अगर तुम याद कर सकते हो तो दैट इज वेल एंड गुड बट अगर वो नहीं याद कर सकते तो एटलीस्ट गामा का वैल्यू याद कर लो क्या पता कि एमसीक्यू में तुमको पूछ लिया जाए कि भाई वॉट इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर डायटोमिक फॉर टोमिक ये चीज पूछ लिया जाए तुमसे ये yes सुनो no? तो एटलीस्ट तुमको उतना याद रखना चाहिए फिर वहां पे देखो डिफाइन ऑफ एब्जॉर्प्शन कोट इज रिलेशन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट तो रिलेशन का देखो तुमको तीनों इक्वेशन मैंने यहां पे लिख के दिया भाई तीनों इक्वेशन कौन कौन से इक्वेशन आते हैं सी बहुत लोग को कम याद होता है हम एक ही याद करते हैं सीपी माइनस सीवीक्वस टू आर 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 बट यहां पे देखो सीपी माइनस सीवी इज इक्वस टू आर बाई जे एस पी माइनस एस वी इज इक्व टू आर बाई एम नॉट बा क्यों लिखा मैंने क्योंकि एमसीक्यू में आ चुका है पूछा गया था भाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेयर्स रिलेशन इज नॉट मतलब ये तीन दिया हुआ था उसके अलावा एक और दिया हुआ था तो ये तीन तो करेक्ट है उसके अलावा जो दिया था वो रॉन्ग है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अगर तुम ये कहीं ना कहीं पढ़ोगे ना तो इनडायरेक्टली तुम्हारा एमसीक्यू का जो पार्ट है वो भी क्लियर होगा फिर उसके अंदर अगेन व्हाट इज एम पावर स्टेट किच लॉ अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेट किच लॉ फिर तुम्हारा वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ फिर अगर हम देखने जाए तो स्टीफन बोल्समैन लॉ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दो बार पूछ चुका एग्जाम में याद रखना ओके फिर डिफरेंस बिटवीन देखने जाए तो इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन

नेक्स्ट तो so, हम लोग ने थर्ड डिस्कस कर लिया क्वेश्चन चैप्टर नंबर फोर तो नेक्स्ट इज योर थर्मो ओके नेक्स्ट इज योर थर्मो ओके स्क्रीन ले लिया होगा तुमने नहीं लिया है तो एक बार वापस मैं ओपन कर देता हूं थर्ड यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ओके हो गया चलो पॉज करके ले लो चैप्टर नंबर फोर की बात करते हैं दैट इज थर्मोडािक्स अगेन थर्मोडाइनमिक्स अगेन भाई सात मार्क का क्वेश्चन सात मार्क का चैप्टर है ओके okay? अगर भी तो ऑप्शन देखने जाए हम लोग और इसके अंदर भी बहुत सारे डेफिनेशन है छोटे छोटे डेफिनेशन है जिसके आने के चांसेस हैं तो अगर हम देखने जाए तो कौन कौन से डेफिनेशन देखो जरा ध्यान से ओके लॉ सबसे पहली कहानी लॉ फर्स्ट लॉ और उसका इक्वेशन सेकंड लॉ बोथ द स्टेटमेंट ये तो एटलीस्ट कर ही लो अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो एटलीस्ट ये चीज तो कर लो ना कि जो चांसेस है जिसका आने का तो दैट इज लॉ फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ सेकेंड लॉ के दोनों स्टेटमेंट दोनों स्टेटमेंट मतलब तुम्हारा इंजिन लॉ भी और तुम्हारा जो रेफ्रिजरेटर लॉ है वो भी दोनों स्टेटमेंट होने चाहिए इंजन लॉ भी होना चाहिए तुम्हारा रेफ्रिजरेटर भी होना चाहिए नेक्स्ट डिफाइन ऑल थ्री इक्विबियम तीनों थ्री तीनों इक्वरियम का डेफिनेशन याद कर लो वट इज मैकेनिकल इक्वीबियम वट इज थर्मल इक्विबियम वट इज केमिकल इक्वीबिरियम ये सोनो नेक्स्ट वट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क विद पीवी डायग्राम पीवी डायग्राम के साथ ये क्वेश्चन आ चुका है याद रखना ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन सोचो तीन के आ चुका है ओके लास्ट टू लास्ट एग्जाम मतलब 2022 2024 बाईस दो में ये वाला क्वेश्चन तो तीन मार्क के लिए आ चुका है भाई तीनों मार्क के लिए ये चीज डिफाइन कर दो ओके okay? अब देखो ऐसा नहीं है कि अगर जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एक या दो मार्क के लिए आएगा कभी ऐसा आ सकता है ना कि भाई तुम्हारा जो तीन मार्क का क्वेश्चन है वो तीन मार्क के अंदर दो क्वेश्चन आ जाए डेढ़ डेढ़ मार्क के तो डेफिनेशन जो तुम पढ़ोगे जो तुम छोटे क्वेश्चन पढ़ोगे ना वो बड़े क्वेश्चन में आने के चांसेस होते हैं क्लियर फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ लो भाई ओपन क्लोज आइसोलेटेड फिर सारे प्रोसेस का डेफिनेशन पढ़ लो एटलीस्ट डेफिनेशन uh, और सबके वर्क के फॉर्मुले तो पढ़ लो भाई आइसोथर्मल क्या होता है एडियाबेटिक क्या होता है आइसोकोरिक क्या, क्या होता है आइसोबेरिक क्या होता है साइक्लिक क्या होता है रिवर्सिबल इन क्या होता है ओके अब कभी अगर तुमने रिवर्सिबल और इ रिवर्सिबल पढ़ लिया और मान लो तुमको इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन आ गया कि भाई व्हाट इज रिवर्सिबल व्हाट इज इिवर्सिबल तो तुम लोग बता सकते हो ना क्योंकि ऑलरेडी तुमने ये चीज पढ़ी हुई है क्लियर में आ रहा एवरीवन हाँ या ना ओके okay? फिर हीट इंजन पढ़ लो और उसका एफिशिएंसी पढ़ लो नो नीड टू रीड पूरा बुक सिर्फ हीट इंजन क्या होता है उसका फ्लो चार्ट क्या है और उसका एफिशिएंसी क्या है रेफ्रिजरेटर के साथ भी वही पढ़ लो डिफाइन साइकिल साइकिल का एटलीस्ट ग्राफ पढ़ लो डिफरेंस बिटवीन इसके अंदर दो है दैट इज योर एक्सटेंसिव वेरिएबल एंड इंटेंसिव वेरिएबल हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर इसके ऊपर आ सकता है डिफरेंस बिटवीन और रिवर्सिबल और इन के ऊपर भी एक आ सकता है डिफरेंस बिटवीन याद रखना ओके okay? यहाँ पे तुम लोग एड कर सकते हो थर्ड डिफरेंस बिटवीन कौन सा रिवर्सिबल एंड इ रिवर्सिबल इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है डिफरेंस बिट्वीन तो इफ यू वॉन्ट यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट अगेन मैं क्लियर कर देता हूं यह चीज ओके okay? बात आ रहा या ना। ओके okay. अब इट इज वेरी डिफिकल्ट मेरे लिए कि भाई मैं हर एक का तुमको रीड करके बताऊं मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेट बनाया हुआ है तो हम लोग एक बार फटाफट सारा सेट डिस्कस करेंगे लेट्स से ऑसिलेशन, uh, ऑसिलेशन okay, का भी हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है देख लो क्या क्वेश्चन है डिफाइन दो बार आ चुका है एग्जाम में तो सेकंड पेंडुलम वट इज सिंपल पेंडुलम सिंपल पेंडुलम क्या होता है वो है वॉट इज एनर्जी एट मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन एटलीस्ट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लो इस चीज का फॉर्मूला तो पढ़ लो एटलीस्ट कुछ ना करने से अच्छा तो कुछ करना होता है सो नो तो एटलीस्ट फॉर्मूला पढ़ लो पूरा डेरिवेशन नहीं हो रहा है सर नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं बट एटलीस्ट पढ़ लो व्हाट इज रेजोनेंस भाई रेजोनेंस का एटलीस्ट डेफिनेशन कर लो रेजोनेंस का एटलीस्ट क्या कर लो डेफिनेशन कर लो हाँ या ना नेक्स्ट डिराइव द डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हारा लिनियर एस एच एम का डिफ्रेंशियल इक्वेशन और तुम्हारा एंगुलर एस एच एम का डिफरेंशियल इक्वेशन एटलीस्ट ये दो चीज तो कर लो भाई दोनों का डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन कर लो फिर तुम्हारा सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम का डिफरेंस है और फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन का डिफरेंस है ये दोनों डिफरेंस बिटवीन कर लो ओके okay? क्योंकि ये बहुत बार पूछ चुका है फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन लास्ट ईयर आया था मेरे ख्याल से लास्ट टू लास्ट ईयर या लास्ट ईयर इसका यह आया था ओके okay? क्लियर हाया ना समझ में आ गया तो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ऑल्सो क्लियर ियर या ना नेक्स्ट चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज योर सुपर पोजिशन ऑफ वेव तो यहां पे हम लोग ने पोजिशन ऑफ वेव के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हुए हैं रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसफर्स वेव रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूडल वेव इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था इसके ऊपर एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था तो क्वेश्चन क्या था कि भाई जब ट्रांसफर uh, वेव जा रहा है रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा कितने का फेस चेंज होगा तो एटलीस्ट उसका डेफिनेशन तुमको याद रहेगा तो तुम एमसीक्यू भी क्लिक कर सकते हो फिर फिर यहां पे देखो स्टेट स्टेट द द द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑफ प्रोग्रेसिव वेव वेव याट इज स्टेशनरी वेव स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव वेट इज नोड एंड एंटी नोड वट इज हार्मोनिक एंड ओवरटोन अब हार्मोनिक और ओवरटोन एक बार आ चुका है डिफरेंस बिटवीन में एक बार क्या आ चुका है डिफरेंस बिटवीन में देखो यहां पे इसलिए मैंने लिखा हुआ है हार्मोनिक और ओवरटोन का डिफरेंस बिटवीन भी पूछ चुका है लेकिन अगर मैं यह चीज पढ़ लूंगा तो इनडायरेक्टली मेरा यह भी तो कंप्लीट हो रहा है अब बहुत लोग देखिएगा सर बहुत सारे क्वेश्चन है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है अगर तुम चीजें पढ़ोगे ना टाइम टू टाइम पढ़ोगे और चीजें कहीं ना कहीं ये कवर करोगे ना तुम्हारी बहुत सारी चीजें एक साथ कवर होगी तो कहीं ना कहीं तुम इसके साथ एमसीक्यू भी खत्म कर रहे हो याद रखना क्लियर ये सारे क्वेश्चन है वॉट इज रेजोनेंस वट इज एंड करेक्शन लॉ ऑफ स्ट्रिंग ये लॉ ऑफ स्ट्रिंग पूछ चुका है बहुत बार कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वट इज बीट अब छोड़ दो बीट का डेरिवेशन बहुत बड़ा है अपने को नहीं आएगा छोड़ दो ओके okay, अगर आ रहा है तो कर लो अगेन बट अगर जिसको नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट वो तो पढ़ लो व्हाट इज बीट डिफाइन वैक्सिंग एंड वेनिंग फिर लाउडनेस क्या होता है पिच क्या होता है फिर ये प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव ये स्टेशनरी वेव लिखा है स्टेशनरी वेव लिखा है यहाँ पे

ये सारे छोटे क्वेश्चन है खाली फॉर्मूला फॉर्मूला सारे छोटे क्वेश्चन है फिर का between, और का तो ऑलरेडी तुम्हारा तो ये टॉपिक कवर हो रहा है ना ऑलरेडी तुम इंटरफेरेंस पढ़ते हो तो ऑलरेडी तुम्हारा यहां पे इंटरफेरेंस खत्म हो रहा है और नो तो कहानी ऐसे समझो कि यहां पे बहुत सी चीजें हैं जो तुमको अलग अलग तरीके से पूछी जा सकती हैं लिखना वही है तुमको लिखना वही है क्लियर चलो सो so, मैं फटाफट तुमको ये दे देता हूं स्क्रीन दे देता हूं और डायरेक्टली तुम लोग स्क्रीन ले सकते हो क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी वही है अब मैं रीड करके बताऊं उससे कोई फायदा नहीं है तो so, चैप्टर नंबर सिक्स हो गया चैप्टर नंबर सेवन हो गया चैप्टर नंबर एट पे बढ़ते हैं हम दैट इज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक तुम लोग देख सकते हो यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक यहां पे सारे क्वेश्चन लिखे बाई डिस्प्लेसमेंट करेंट क्या होता है कैपेसिटेंस क्या होता है इक्वीपोटेंशियल सर्विस क्या होता है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे लिखे हुए तो यू कैन टेक अ स्क्रीन ऑफ चैप्टर नंबर टेन चैप्टर नंबर no. ये तुम्हारा करंट इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी पे भी इंपॉर्टेंट कितने है है देखो स्टेट द ये जो है, कितनी बार आ चुका है स्टेट दिच ऑफ लॉ स्टेट द किच ऑफ लॉ ऑफ केवीएल कितनी बार आ चुका है ओके पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या ही होता है तुम्हारा टू सॉरी के इज इक्वल टू वी बाई एल तो एटलीस्ट तुम ये तो याद रखो फॉर्मुला तो याद रखो पे अगर मान लो डेफिनेशन पूछा और तुमको डेफिनेशन नहीं आ रहा है तो अगर तुम फॉर्मूला भी लिख के आते हो ना तो सामने वाला तुमको जीरो नहीं देता ये चीज याद रखो इसलिए मैं बोलता हूं फॉर्मुला याद रखो इसमें एक डिफरेंस बिटवीन वोल्ट मीटर एंड एमीटर मीटर इंपॉर्टेंट आ चुका है ओके नेक्स्ट नाइन हो गया टेन चैप्टर नंबर टेन दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर नंबर देख लो यहाँ पे ओके सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं मूविंग कॉल गैलोमीटर बायोसॉइड स्टेट लॉ एम्पियर लॉ यस और नो ओके एम्पियर लॉ क्या है सोलिनोइड क्या है टोरॉइड क्या है सारे सारे छोटे क्वेश्चन लिखे हुए ये सारे छोटे क्वेश्चन है सवे के बाद ग्यारवा देख लो मैग्नेटिक मटेरियल इसके अंदर से भी छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आते हैं जैसे तुम्हारा गैरो मैग्नेटिक रे हो गया भोर मैग्नेटॉन हो गया वट इज डाय मैग्नेटिजम पैरा मैग्नेटिज्म फेरो मैग्नेटिज्म ये कितने बार आ चुके हैं ये क्वेश्चन ओके okay, तो ये पढ़ लो डिफरेंस बिटवीन देखो इसके अंदर कितने डिफरेंस बिटवीन है परमानेंट मैगनेट इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर आ सकता है डाय मैगनेट पैरा मैगनेट पैरा मैगनेट फेरोमैगनेट डाय मैगनेट फेरो मैगनेट अब अगर तुम ये तीनों चीज पढ़ोगे तो डिफरेंस बिटवीन तो ऑलरेडी ये तीनों तुम्हारा हो जाएगा ना अगर तुमने ये तीनों चीज पढ़ लिया तो यहां पे तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन तो यहां पे खत्म हो ही जाएगा और नो ओके चलो टेक अ स्क्रीनशॉट अगर स्क्रीनशॉट में क्लियर नहीं है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दो मैं इसका पीडीएफ अपलोड करा दूंगा ओके okay? टेलीग्राम चैनल पर तुम लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो इलेवेंथ हो तो गया ट्वेल्थ चैप्टर नंबर ट्वेल्थ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देख लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन के भी सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोग ने ओके राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डेफिनेशन ओके तुम्हारे ये पैराडे लॉ लेंस लॉ जनरेटर उसका वर्किंग प्रिंसिपल व्हाट व्हाट इज बैक इज ईडी करंट सेल्फ इंडक्टेंस कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्रांसफार्मर आ चुका है अप ट्रांसफार्मर डिफरेंस बिटवीन आ चुका है डिफरेंस ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप आ चुका है ये चीज बारह के बाद थर्टीन थर्टीन देख लो अगेन एसी करेंट अगेन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर से कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो हमको यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन आ चुका है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस हाँ यहाँ पे रिएक्टेंस है तो रिएक्टेंस रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस फिर इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस सीरीज रेजोनेंस पार्लर रेजोनेंस डिफरेंस आ चुका है ये ओके okay? सारे क्वेश्चंस देख लो डेफिनेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन पावर फैक्टर क्या होता है इंपीडेंस क्या होता है विद फॉर्मूला, ओके कितनी बार पूछ चुका है भाई Z अंडर रूट R2 XL XC2 बच्चा ये भी याद नहीं रखता और बाद में तुम गलत करके आ जाते हो एटलीस्ट कुछ नहीं लिखा तुमने फॉर्मूला लिखा तो भी आधा मार्क्स तुमको मिला तुम कैसे कैसे छोड़ सकते हो ये चीज नहीं छोड़ना ये क्लियर बात में आ गया 13, बाद इज योर डुवेल नेचर नेचर के ऊपर भी देखो जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन है जैसे इंपॉर्टेंट आइंस्टाइन पॉस्टूलेट फिर आइंस्टाइन का फोटो इक्वेशन डी ब्रॉगली का वेवलेंथ डी ब्रॉगली का हाइपोथिस फिर थ्री शोल्ड फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल सैचुरेशन करेंट ये सारा चीज व्हाट इज वर्क फंक्शन व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सारा चीज यहां पे पर छोटे क्वेश्चन है कितने सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है ओके रुदर फोर्ड का एटॉमिक मॉडल है उसका लिमिटेशन है एटॉमिक स्पेक्ट्रम है फिर भोर का पॉस्युलेट्स है तीनों पॉस्युलेट्स तीनों पॉस्युलेट्स विद फॉर्मुला याद रखना ओके okay, तीनों पॉस्युलेट यहां पे थ्री पॉस्युलेट्स थ्री विल थ्री फॉर्मूला ओके रेडियस का एनर्जी का फिर व्हाट इज रेडबैक्स कॉन्स्टेंट फिर लिमिटेशन ऑफ बोर्स लॉ डिफाइन आइसोटोप्स क्या होता है आइसोबार क्या होता है आइसोटोन क्या होता है सारा यहां पे छोटे क्वेश्चन जितने भी है बीटा रेडिएशन गामा रेडिएशन अल्फा रेडिएशन अल्फा डी के यस और नो ओके न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर ये न्यूक्लियर फ्यूजन है हा न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन है डिफरेंस बिटवीन वो भी आने का चांसेस तो सारा यहां पर डिस्कस किया हुआ है सारा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन ओके नेक्स्ट 15 के बाद 16 सेमी कंडक्टर दास्ट टॉपिकंडक्टर में भी देखो भाई तुम्हारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टीफायर है हाफ वेव रेक्टीफायर कंपलसरी कितनी बार बड़े क्वेश्चन में पूछ चुका हाफ वेव रेक्टीफायर तीन मार्क के लिए फुल वेव रेक्टीफायर एटलीस्ट का सर्किट डायग्राम और ग्राफ याद कर लो कुछ नहीं आया मान लो उसका थे पाए तो एटलीस्ट उसका सर्किट डायग्राम और ग्राफ लिख देना डिफाइन रिपल फैक्टर फिर एटलीस्ट अब मान लो कि एलईडी बहुत बड़ा टॉपिक ओके okay, डायोड बहुत बड़ा टॉपिक है तो कम से कम व्हाट इज वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एलईडी तो पढ़ लो भाई एलईडी का एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो पढ़ लो मान लो अगर तुमने कुछ नहीं किया अगर तुमको एलईडी का वर्किंग प्रिंसिपल याद है कि भाई वो रिवर्स बायस रहता है फॉरवर्ड बायस रहता है क्या रहता है वो उसका एडवांटेजेस क्या है डिसएडवांटेज क्या है वो सब पढ़ लो सेम फोटो डायोड के साथ भी सेम सोलर सेल के साथ भी उसका एप्लीकेशन पढ़ लो ओके अल्फा बीटा पढ़ लो उसका रिलेशन पढ़ लो सारे गेट्स कर लो गेट में एक ना एक क्वेश्चन तो कभी ना कभी पूछा ही गया है ओके okay, तो ये कितना इजी टॉपिक है गेट बच्चे ये भी छोड़ देते हैं तो एटलीस्ट गेट्स तो पढ़ लो तुम्हारे पास नॉट और एंड नॉर इतने तो ये तो एटलीस्ट ये पढ़ लो गेट के बारे में तुमने पढ़ा भाई तुमको मार्क्स मिल गया एक या दो मार्क्स गारंटी है फिर डिफरेंस बिटवीन इसमें और फोटो डायोड पे पूछा जा सकता है हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर में पूछा जा सकता है ओके okay? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने तुमको दिए हुए तुम्हारा काम क्या है भाई तुम्हारा काम है कहीं ना कहीं सारी चीजें बेहतरीन तरीके से पढ़ना और खत्म करना ओके न टेक अ स्क्रीन शॉट और इफ यू वॉन्ट जस्ट मैसेज कर दो या फिर कमेंट uh, uh, करके बता दो कि सर वी नीड अ पीडीएफ सो मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ अपलोड कर दूंगा क्लियर एवरी वन बात समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ गया सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल इंपॉर्टेंट ऑल वन मार्क टू मार्क क्वेश्चन इसके साथ कहीं ना कहीं तुम्हारा एमसीक्यू भी सॉल्व हो रहा होगा फिर भी हम एमसीक्यू पर अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे ओके okay? क्लियर में आ गया एवरीवन सो so, क्या करना है वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ सबके साथ वीडियो शेयर करो okay? वीडियो को लाइक करो कमेंट करो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करना लाइक तुम तो पास हो रहे हो ट्वेल्थ ओके okay? बट उसके बाद तुम्हारे पीछे वाला जो बैच रहेगा उसको जरूर सजेस्ट करना कि यहां पर सारे कॉन्टेंट अवेलेबल है ओके okay? चलो सो so, पढ़ते रहो मुस्कुराते रहो बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सो so, आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं आज के लिए बस इतना ही दैट सिट फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन